अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 1973 के आइन के अहम तरामीम के जो बकिया कुछ डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले वाला देखने के लिए आप चैनल पर विज़िट करें और इसका पार्ट ए देख लें। इसमें हम डिस्कस करेंगे 18वीं आइनी तरमीम। इसमें जो है ये अप्रैल 2010 में मंजूर हुई, जिसमें सदर पाकिस्तान से कौमी असम्बली और हुकूमत को तहलील करने का अख्तियार वापस ले लिया गया। आला उहदों पर तकर्रुर के लिए सदर को वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद किया गया और सूबे सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। 20वीं आइनी तरमीम फरवरी 2012 में हुई, जिसमें उबूरी वज़ीर आज़म का तकर्रुर मौजूदा वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर करेंगे। 22वीं आइनी तरमीम जून 2016 में हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अख्तियार तय किए गए। 24वीं आइनी तरमीम 2017 में हुई, जिसमें मरदम शुमारे के मुताबिक कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद 342 से कम होकर 336 की गई। 25वीं आइनी तरमीम मई 2018 में की गई, जिसमें फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम कर दिया गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अच्छा, अमेंडमेंट्स जो है उसमें है 18वीं तरमीम की, और दीगर अमेंडमेंट्स में बाकी फ़ीचर्स भी है, वो आपने या अपने बुक से देखना या इंटरनेट से एक्सप्लोर करना है। जैसे कि 18वीं तरमीम में ये भी था कि जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो बैन था उसको भी हटा दिया गया। इसी तरह दीगर फीचर्स भी आपने बाकी अमेंडमेंट्स में आपने गो थ्रू करना है। इस वीडियो में हमने सिर्फ जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमने मेंशन किया है।